नमस्कार किसान भाइयों, बेस्ट ज्ञान पॉइंट पी चैनल पर आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम बात करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। यह योजना किन किन किसानों के लिए है और इस योजना की क्या क्या शर्तें हैं, सब कुछ बताएंगे। वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिए और जो किसान भाई चैनल पर नए आए हैं, वीडियो के नीचे दी गई लाल कलर की सब्सक्राइब बटन को दबा दें व बगल की बेल आइकन घंटी को बजा दें, जिससे आपको हमारी खेती संबंधित नई नई वीडियो समय समय पर मिलती रहे। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं, भारत सरकार बनाते ही मोदी सरकार ने किसानों के लिए बड़ा फैसला लिया है। मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का दायरा बढ़ा दिया है। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के अपने संकल्प पत्र में इसके विस्तार का वादा किया था। इस स्कीम के तहत खेती किसानी के लिए सालाना 6,000 रुपये किस्तों में मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम अब देश के सभी 14.5 करोड़ किसानों परिवारों के लिए लागू हो गई है। 24 फरवरी 2019 को जब प्रधानमंत्री ने इसकी शुरुआत की थी, तब सिर्फ यह 12 करोड़ किसानों के लिए ही थी, क्योंकि इस पर 2 हेक्टेयर यानी 5 एकड़ तक ज़मीन की शर्त थी। लेकिन अब इस शर्त को मोदी सरकार ने हटा दिया है और अब सभी किसान इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। फिर भी कुछ शर्तें लागू रहेंगी ताकि इसका लाभ असली किसानों तक ही पहुंचे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना क्या है और आप इसका कैसे लाभ उठा सकते हैं, जानने के लिए और बातें अभी बाकी हैं। 3 किस्तों में हर साल किसानों को मिलेंगे 6,000 रुपये। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का ऐलान पीएम मोदी सरकार के अंतर्गत बजट के दौरान किया गया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश के छोटे किसानों को सीधे उनके बैंक खाते में हर साल 6,000 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। यह योजना 1 दिसंबर 2018 से पूरे देश में लागू हो चुकी है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पहले कमज़ोर किसान परिवार जिनके पास 2 हेक्टेयर या उससे कम ज़मीन है, तो उन्हें 6,000 रुपये प्रतिवर्ष दर से सहायता दिए जाने का फैसला लिया गया था। लेकिन अब इसमें सभी किसानों को इस योजना का लाभ मिलेगा। सरकार सीधे किसानों के बैंक खाते में पैसे डालेगी। इस योजना की पहली किस्त 2.25 करोड़ किसानों को मिल चुकी है। 3 किस्तों में किसानों को हर साल 6,000 रुपये दिए जाएंगे। मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 75,000 करोड़ रुपये आवंटित किए थे। स्टेप बाय स्टेप जाने कैसे ले प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना का लाभ। तो सबसे पहले प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने के लिए आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन करना पड़ेगा। दूसरा है, किसानों को इसका लाभ पाने के लिए सबसे पहले कृषि विभाग में रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। प्रशासन उसका वेरिफिकेशन करेगा। रेवेन्यू रिकॉर्ड, बैंक अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर और आधार नंबर देना होगा। कोई कन्फ्यूजन हो तो अपने लेखपाल से संपर्क कर सकते हैं। लेखपाल ही यह कार्रवाई कराता है कि आप किसान हैं कि नहीं हैं। अगर लेखपाल और कृषि अधिकारी किसी असली किसान को इसका लाभ देने में आनाकानी कर रहे हैं, तो सोमवार से शुक्रवार तक पीएम किसान हेल्प डेस्क, जिसकी ईमेल आईडी इसमें लिखी हुई है, पर संपर्क कर सकते हैं। वहां से भी बात ना बने तो सेल के फ़ोन नंबर, इसमें नंबर दिया गया है, आप इस नंबर से बात कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करते समय किसान को अपना आधार कार्ड नंबर, मतदाता पहचान पत्र और बैंक से संबंधित यानी कि बैंक खाता संख्या पास होनी चाहिए। इसके अलावा अगर किसान SC ST वर्ग से है तो उसके लिए उसे सर्टिफिकेट देना होगा। इसके बाद आपको अपनी जानकारी देनी होगी, जैसे कि पिता का नाम, मोबाइल नंबर, जन्म तिथि, खेती की जानकारी जैसे खेत का आकार, कितनी ज़मीन है आदि। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का ऑफलाइन आवेदन करने के लिए किसानों को ग्राम पंचायत या फिर पास के CSC सेंटर जाना होगा। वहां पर जाने के बाद आपको फॉर्म दिए जाएंगे जिन्हें आपको भरना होगा। अब पता करते हैं कैसे पता चलेगा कि आपका नाम रजिस्टर हो चुका है या नहीं। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का फॉर्म भरने के बाद जो भी लाभकारी किसान हैं उनके नामों की लिस्ट
पंचायत पर लगाई जाएगी। जी हाँ किसान भाइयों, आपके ग्राम पंचायत में लगा दी जाएगी। इसके अलावा जिन किसानों को उसका लाभ मिलना है उनके मोबाइल नंबर पर भी SMS भेज दिया जाएगा। यानी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपने ऑनलाइन फॉर्म भर दिया है या ऑफलाइन, तो आपका नाम यदि आएगा तो आपके मोबाइल पर SMS आ जाएगा। अब बात करते हैं कौन नहीं ले सकते प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ। तो केंद्र या राज्य सरकार में अधिकारी, जो लोग अधिकारी हैं एवं 10,000 से अधिक पेंशन वाले किसानों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा अन्य पेशेवर जैसे डॉक्टर, वकील आदि अगर खेती करते हैं तो वे भी लाभ के लिए योग्य नहीं हैं। इसके साथ ही पिछले वित्तीय वर्ष में जिन्होंने इनकम टैक्स दिया है वे भी इसका लाभ नहीं उठा सकते। वहीं जो सांसद, विधायक, मंत्री या फिर मेयर खेती करते हैं उनको भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिल सकेगा। अब बात करते हैं मोदी ने दो कैबिनेट की पहली ही बैठक में हुआ बड़ा फैसला। 31 मई को मोदी कैबिनेट की पहली बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिए गए कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि कृषि क्षेत्र पर प्रधानमंत्री बहुत ध्यान दे रहे हैं। किसानों की आय दुगनी करने की कोशिश की जा रही है। अब तक 3 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि रकम पहुंच चुकी है। दरअसल साल 2014 में पहली बार सरकार बनने के बाद PM नरेंद्र मोदी ने किसानों के मसलों को सबसे ऊपर रखा था। जब कांग्रेस हर जगह कृषि कर्ज माफ़ी का वादा कर रही थी तो मोदी सरकार किसानों का आय बढ़ाने की योजनाओं पर काम कर रही थी ताकि वे ऐसे बन जाएं कि उन्हें कर्ज माफ़ी की ज़रूरत ही ना पड़े। साथ ही किसान सम्मान निधि योजना के तहत 6,000 रुपये नगद देने की योजना शुरू की और उसे बहुत तेज़ी से लागू कर दिया। कुछ विशेष जानकारी है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के संबंध में। ज़्यादा जानकारी के लिए आप उसकी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। वेबसाइट पर जाने के लिए इस लिंक को क्लिक करिए या फिर pmkisan.gov.in पर आप गूगल पे जाके इंटर करके ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, कैसी लगी जानकारी? यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए जिससे आपको ऐसे ही नई नई जानकारियां हम लाते रहें। वीडियो को शेयर कीजिए जिससे दूसरे किसान भाइयों को भी इस वीडियो के माध्यम से लाभ मिले। कोई सुझाव हो तो कमेंट दीजिए। धन्यवाद।